बेसिकली जो चूहे का जो प्रॉब्लम रहता है, चूहा गाड़ी में जाके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पूरा खा जाता है, उसके वजह से गाड़ी में बड़ा सा नुकसान हो जाता है। दोस्तों टाइम हो रहा है फ़िलहाल में 10:22 एंड हम आए थे ईरानी पे। है गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। यस गाइज, 3 दिन से ब्लॉग नहीं आया, पता है मुझे, छोटे मोटे वीडियोज में अपलोड कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई देखो कितना मोटा हो गया, पेट भी दिख रहा है, घर में बैठे बैठे मोटा हो रहा। एक्चुअली गाइज, एक जो प्रोडक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, सो उस प्रोडक्ट का जो है आज एक डेमो है, ठीक है। जो 3 दिन से हमारी मेहनत चल रही है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस लेकर आ सकती है। बेसिकली जो चूहे का जो प्रॉब्लम रहता है, चूहा गाड़ी में जाके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पूरा खा जाता है, उसके वजह से गाड़ी में बड़ा सा नुकसान हो जाता है। अगर आप कोई अच्छे लेवल की गाड़ी लेके हो तो कम से कम तो 50-70 हज़ार रुपये के रेंज में एक्सपेंसेस हो जाते हैं वायरिंग पूरे रिपेयर करवाने के लिए। तो हम वही वायरिंग जो है वो रीज़नेबल रेट में, मतलब चूहा गाड़ी में घुसे ही नहीं, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना चुके हैं जिसका डेमो जो है आज आप इस वीडियो में देखने जा रहे हो। तो चलो फटाफट हम निकलते हैं और जाते हैं डेमो लेने के लिए। सो गाइस, जो प्रोडक्ट हम लोग ने बनाया है, सीट बेल्ट लगा लेता हूँ पहले, जस्ट मैं सोसाइटी से बाहर निकल रहा हूँ। ये परसों के दिन हम लोग ने सैम्पलिंग के लिए दिया हुआ था, उसका हम लोग ने एकदम कॉम्प्रेस करके एक छोटा सा जो कंटेनर आता है वो कंटेनर में हम लोग ने उसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो कंटेनर में कन्वर्ट करने से क्या हो गया, अभी एकदम इजी टू स्प्रे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट टोटली ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी केमिकल आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा। ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होने के वजह से ये ह्यूमन बॉडी के लिए या तो किसी भी एनिमल के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा, वो उसे हार्मफुल नहीं है। सबसे पहली बात, मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट है जो रैट्स के ऊपर उसे किल करते हैं, पॉइजन है रैट्स के, जैसे कि आप मॉर्टिन के वगैरह रैट किल देखते रहते हो, जो लोग गाड़ी में रख देते जो रैट्स को किल करते। सिनेरियो क्या होता है गाइस, जब रैट मर जाता है ना, वो अगर आपके गाड़ी के अंदर कहीं पे ऐसे जगह पे जाके मर गया है जहाँ पे आप तक का एक्सेस नहीं हो सकेगा, आप उसे निकाल नहीं पाओगे, तो वहां पे सड़ने लगता है और वो सड़ने की स्मेल पूरी गाड़ी में फैल जाती है। तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो रैट्स को मारेगा नहीं, नॉट इवन रैट्स, नॉट इवन कॉकरोचेस, नॉट इवन लिजर्ड्स, कोई भी आपके, बोल ले भाई तू ही बोल ले, पता है टेम्परेचर ऐसा है। तो गाइस, जो अब मैं बता रहा था आप लोगों को, क्या वो किसी भी एनिमल को, किसी भी पेस्ट को मारेगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसे रिपेलेंट करेगा। उसकी स्मेल इतनी कड़वी है, क्या वो कड़वी स्मेल से जो कोई भी पेस्ट है, रैट है, कॉकरोचेस है, साथ ही साथ में लिजर्ड्स है, ये आपके गाड़ी के अंदर आने से रुक जाएगा, गाड़ी में एंटर ही नहीं कर पाएगी, इतनी उसकी कड़वी स्मेल रहेगी। और वो जो स्मेल है वो ह्यूमन नहीं सेंस कर पाएगा, मतलब अगर हम इसे उस लिक्विड को लेके भी स्मेल करने जाएंगे तो स्मेल हमारे को नहीं आएगी। इस टाइप से हमने ये यूनिक सा प्रोडक्ट बनाया है, ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही अच्छा बूम करेगा। एंड स्पेशली इस टाइप के जो प्रोडक्ट है जो केमिकल बेस में है, मार्केट में आज की तारीख में 1000-1200 रुपए में सेल हो रहे हो गाइस। और हम लोग ये जो प्रोडक्ट है वो वेरी रीजनेबल रेट अराउंड 549 रुपीज को मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। साथ में इसकी एक्सपायरी भी अच्छी है, 2 साल की, 24 मंथ की उसकी एक्सपायरी है। साथ ही साथ में इजी टू यूज प्रोडक्ट है, किस तरीके से उसे अप्लाई किया जाता है ये तो आगे आप लोग वीडियो में देख ही लोगे, मैं एक प्रोफेशनल वीडियो ही उसका शूट कर रहा हूँ जिससे ये प्रोडक्ट जो है हम लोग मार्केट में हर जगह पे बता सके। एंड सेकेंड, उसमें और एक खास बात ये है ना, क्या इतना कॉम्पैक्ट है कि आप जैसे आपका डीओ वगैरह साथ में लेके कैरी करके निकलते हैं, उस टाइप में आप उसे आपके साथ में कैरी कर पाओगे। उसकी वैलिडिटी जो रहेगी, एक बार अगर आपने वो सरफेस पे स्प्रे कर दिया तो 90 डेज तक का उसके ऊपर कोई भी पेस्ट नहीं आएगा। इस टाइप का ये जो प्रोडक्ट है वो हम लोग ने डिजाइन किया हुआ है। सो इसी के चक्कर में पिछले 3 दिनों से जो है ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन पा रहे थे, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। मॉर्निंग से हम लोग अराउंड 8-9 बजे से अगर काम स्टार्ट होता है हमारा,
तो शाम को 7-8-9 उसी में बज जा रहे थे, तो ब्लॉग शूट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड कैसा रहता गाइस, एक बार इस पे मेहनत करके इस फुल प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में लॉन्च कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर बाद में टाइम ही टाइम रहता है। स्टार्टिंग की जो थोड़ी बहुत मेहनत रहती है वही चीज पे मेहनत है। और ये जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ही अमेजोन पे भी लिस्टिंग हो जाएगा। हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह का जो वर्क है वो इन प्रोग्रेस में है। अराउंड 3-4 दिनों के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वगैरह सब कुछ क्लोज हो जाएगा। एक बार ये सब कुछ क्लोज हो गया, डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में आ गए, तो हम लोग उसे अमेजोन पे लिस्ट कर पा रहे हैं, साथ ही साथ में फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट करवा रहे हैं, और जो कोई भी अच्छे खासे ई कॉमर्स पोर्टल है उसके ऊपर उसका लिस्टिंग होगा, तो आप लोगों को भी वो देखने तो मिल ही जाएगा। एंड डेफिनेटली मैं कहता हूँ स्पेशल कूपन कोड मैं आप लोगों के लिए शेयर कर लूंगा, उसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या तो बाय वन गेट वन फ्री टाइप का, इस टाइप का कुछ तो कूपन कोड मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। तो चलो गाइस निकलते हैं हम लोग एंड पहुंचते हैं डेमो के लिए। सो दोस्तों वीडियो शूट तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड की कार है, इसमें हम लोग ने फ़िलहाल में डेमो शूट किया है। ये जो डेमो है आपको मेरे चैनल पे कल ऑलरेडी पब्लिश हो चुका होगा, तो आपको डेडिकेटेडली वो डेमो देखने मिल जाएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि हम हमारे कार से बहुत प्यार करते हैं यार, कुछ भी बोलो, हमारे लिए तो वो इट्स लाइक गर्लफ्रेंड या तो सेकेंड वाइफ आप बोल सकते हो। सो इस सिनेरियो में रहती है, एंड सीन क्या हो जाता है कि जब चूहे जाके उसकी वायर्स ख़राब कर देते हैं। अब एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मेरी एमजी हेक्टर टोटली सेंसर वाली कार है, जिसमें टोटल सेंसर्स दिए हुए, टोटल वायरिंग है, पूरी इलेक्ट्रिक के हिसाब से ही कार है। अगर उसमें जाके चूहा जो है वायरिंग तोड़ देता है तो यार एमजी का रिपेयर कॉस्ट बहुत बड़ा जाएगा, मुझे कम से कम 50,000 से लेके 1,20,000 के रेंज में मुझे उसका कॉस्टिंग गिरेगा। तो इतना कॉस्टिंग में क्यों खर्चा करूँ यार, जब 550 का मुझे स्प्रे मिल रहा है। अगर वो मैं स्प्रे महीने के साल के हिसाब से दो भी मंगा के रख लेता हूँ, एक स्प्रे की वैलिडिटी है 3 महीने की, आप एक स्प्रे जो है वो 2 बार यूज़ कर सकते हो, साल के हिसाब से मैं 2 स्प्रे भी मंगा के रखता हूँ 1,050 रुपये के, तो भी मुझे परवड़ता है यार। 50,000 से लेके 1,20,000 का खर्चा मेरा बच रहा है ना। तो अगर आप लोग भी ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, कमेंट सेशन में मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर लूँगा, या तो जल्दी हम उसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी लिस्टिंग करने वाले हैं। एक बार लिस्टिंग वहाँ पे हो जाता है कंप्लीट तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये जो प्रोडक्ट है वो टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसका आपके लाइफ पे ह्यूमन बॉडी पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है। साथ में ही हम एनिमल पॉलिसीज भी जो है वो मेंटेन करके चल रहे, कोई भी जानवर इससे मरेगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी कड़वी स्मेल लेगा, उससे भाग जाएगा, इसका ह्यूमन बॉडी पे कहीं पे इम्पैक्ट नहीं होगा, ना ही इसकी वजह से कोई जानवर मरने वाला है। सो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया इन्वेंशन हमने किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है फ्रेंड्स इसको लॉन्च करने के लिए मार्केट में। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। एंड हाँ, अगर आप भी मोटो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हो, आपके कुछ गैरेजेस वगैरह चलते हैं, या तो आप आपके सिटी के लिए इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, इसकी डीलरशिप लेना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपका ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना, सो मैं पर्सनली आपको कांटेक्ट कर लूँगा। पर्टिकुलर आपके सिटी के लिए जो है हम आपको फ्रेंचाइजीज ऑर्डर कर देंगे। ये पुणे महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर हो रहा है और पैन इंडिया लेवल पर हम इसका सप्लाई करने वाले, तो आपको सप्लाई थ्रू वो प्रोडक्ट जो है आपके सिटी में मिल जाएगा। दोस्तों टाइम हो रहा है फ़िलहाल में 10:22 एंड हम आए थे ईरानी पे, हमारे दोस्त है साथ में मनोज, हाय। नमस्ते। नमस्ते सर। तो हम लोग आए थे चाय पीने के लिए, देख रहे हो गाइस चाय के शौकीन, रात को 10:30 भी हम लोग चाय पीने निकलते रहते हैं। चलो जाते हैं घर पे, एंड आज का ब्लॉग जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगेन मिलेंगे कल सुबह को नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।